बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जी आलू की फसल में डाउनी मिल्ड्यू के बारे में। इसका मुकम्मल कंट्रोल क्या है और दूसरा इसकी जो है वो पहचान क्या है। जैसा कि ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये एक मैं फील्ड में मौजूद हूँ। ये देखें जी, ये वाला जो पत्ता है ये डाउनी मिल्ड्यू की पहचान है। और दूसरा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जी, ये वाला देखें जी, ये जो सारे जो पत्ते हैं ये येलो हुए हुए हैं और दूसरा ये सुखड़े हुए हैं। ये डाउनी मिल्ड्यू की पहचान है। ये डाउनी मिल्ड्यू जो है ना, जब हमला करती है तो ये पौधे जो है ना वो उसकी जो टिप्स हैं वो ब्लैक वो काले रंग की होना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि ये जो पत्ता आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और दूसरा ये कि इसके जो वो टिप हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं, और दूसरा ये कि इसके जो पत्ते हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, येलो किस रंग के होना शुरू हो जाते हैं, और पौधा जो है ना वो ऊपर से मुरझाया हुआ नज़र आता है। तो ये एक जो है ना वो फंगस वाली डिजीज़ है, इसलिए इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आलू के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस किस्म का ये जो है ना वो बीमारी है। और दूसरा ये कि इसके अगर कंट्रोल की बात की जाए नाजरीन, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जो है ना इसके लिए कोई अच्छे वाला स्प्रे करें। जैसे बायर कंपनी इंट्राकाल के नाम से दे रही होती है, वो आप अप्लाई करें, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसके लिए। और दूसरा इसका जो है ना वो कंट्रोल भी बहुत ही देर पा होता है। और दूसरा एक कंपनी है तारा, तारा की कंपनी, तारा ग्रुप, उसकी ICS कंपनी है, वो स्पोरोकिल के नाम से दे रही होती है, वो भी बहुत ही अच्छी स्प्रे है, वो उसका भी बहुत ही देर पर रिजल्ट है। और दूसरा जो है ना रिजल्ट बहुत अच्छा है और बहुत ही देर पर रिजल्ट है। मेरा और भी आप किसी अच्छी कंपनी का जो है ना वो इसके लिए कोई फंजीसाइड अच्छे वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसे कंट्रोल करना जो है ना वो बहुत ही अच्छा ज़रूरी है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच रहे, और आप जो है ना इस तरह की वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। शुक्रिया, वस्सलाम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।